अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों, मैं आज मुस्लिम दुनिया के कैम मुल्क सूडान के मुल्की हालात पर तबसरा करने वाला हूं। दोस्तों, यकीनन आप सब ने न्यूज़ और दीगर ज़राए से सुना होगा, इस वक्त सूडान में खाना जंगी किसी सूरत हाल है और सैकड़ों मासूम अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, ये खाना जंगी क्यों और कैसे शुरू हुई और इस खाना जंगी की जंगबंदी के हवाले से क्या कोशिशें की जा चुकी हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सूडान की तारीख खाना जंगी और मुल्की अदम इस्तकाम से बरी पड़ी है। यहाँ कभी भी सिविलियन या सियासी हुकूमत ज़्यादा अरसा तक नहीं ठहर सकी है। सूडान इस ताज़ा तरीन तनाव से पहले भी तकरीबन 1.5 मिलियन जिंदगियों से महरूम हो चुका है और करीबन 20 लाख लोग बिगड़ हो चुके हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से सूडान माजी की बनस्बत पुरामन रहा है। शायद इसकी वजह यहाँ पर दो ताकतवर फोर्सेज के सरबराहान का एक पेज पर होना था। जी हाँ दोस्तों, सूडान की आर्मी के सरबराह जनरल अब्दुल फाते और आरएसएफ के सरबराह जनरल दागलो एक पेज पर यानी मिलकर सूडान पर हुकूमत कर रहे थे और मिलकर सूडान को लूट रहे थे। प्यारे दोस्तों, आरएसएफ सूडान के एक नीम सरकारी फौजी ग्रोह का नाम है जो मुल्क के अंदरूनी तनाव के मामलों से निपटने के लिए बनाया गया था, जिसके सरबराह जनरल दागलो हैं जो शुरू में जनरल अब्दुल फाते के मतहत काम करते रहे थे। प्यारे दोस्तों, हालिया तनाव का बायस ये वजह बनी जब जनरल दागलो को तरक्की देकर जनरल अब्दुल फाते के बराबर लाया गया और इनके दरमियान ताकत के मीज़ान की रसाकशी शुरू हो गई। दोस्तों, ये दोनों जनरल सियासी असूलों से नावाकिफ और अपनी दौलत और ज़र को एक दूसरे से बढ़ाने के चक्कर में पूरे मुल्क को इस वक्त खाना जंगी की आग में झोंक चुके हैं और सूडान में इस वक्त दारुल हुकूमत खरतूम और नवाई इलाकों में जंग का सा माहौल छा गया है। मुतअद्दिद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और ज़ख्मी हो चुके हैं। दोस्तों, सूडान को जगरफियाई एतबार से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक नॉर्थ सूडान और एक साउथ सूडान है। तो इस एतबार से एक हिस्सा में आरएसएफ और दूसरे हिस्से में सूडानी फौज का कब्जा है और ये एक दूसरे के इलाकों पर हमले कर रहे हैं। दोस्तों, साउथ का हिस्सा बज़ाहिर पुरअमन है, लेकिन जो नॉर्थ का हिस्सा है इस वक्त वो खाना जंगी की जद में है। दोस्तों, जहाँ सूडान की सरकारी फ़ौज के पास हवाई हमलों के लिए एयरफोर्स है तो वहीं आरएसएफ यानी कि नीम सरकारी आर्मी के पास गोरिल्ला वार के बेहतरीन टैंक और आर्टिलरी मौजूद है, जिससे वो सूडानी सरकारी फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं। दोस्तों, ये जंग दर हकीकत दो जनरलों की आपसी जंग है और ज़ाती मफादात की जंग है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और घर और सरकारी अमलाक तबाह हो चुकी हैं। दोस्तों, वाज़े रहे इन दोनों जनरल्स ने मिलकर सूडान में बगावत करके सियासी हुकूमत को गिरा कर अपनी हुकूमत सूडान में कायम की थी, जिसके ये दोनों हुक्मरान बने थे। पर जब तक ये एक दूसरे को तस्लीम करते रहे, निज़ाम चलता रहा, पर जो ही दोनों बराबरी की सतह पर आए, हालात जंग में बदल गए और अब इनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, अक़वामे मुत्तहिदा पड़ोसी ममालक और दीगर कई ममालक की तरफ से हालिया जंगबंदी और सालसी की कोशिशें की जा चुकी हैं, पर तहाल इस पर दोनों ग्रुप में से कोई अमल पैरा होने को तैयार नज़र नहीं आ रहा। दोनों ग्रुप से एक दूसरे पर जंगबंदी के एहतराम ना करने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लोगों को ज़रूरत ज़िंदगी की बुनियादी अशिया की तंगी का सामना है और तकरीबन तमाम ममालक ने अपने शहरियों के इनखला की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सूडान का एक बैन अल-अक़वामी एयरपोर्ट एक फोर्स के कब्जे में है तो दूसरी तरफ समुद्री बंदरगाह दूसरी फोर्स के कब्जे में है। ताहम समुद्री रास्ते से सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने अपने शिप्स के जरिए कुछ लोगों को सूडान से निकाला भी है। ज़राए के मुताबिक सऊदी शिप्स की मदद से कुछ पाकिस्तानियों को भी सूडान से निकाला गया है। ताहम दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से अभी तक अपने शहरियों को सूडान से निकालने के हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त नज़र नहीं आई, ना ही कोई मीडिया बयान सामने आया है और हज़ारों पाकिस्तानी इस वक्त सूडान में मैसूर हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी कुर्सियों के नशे से थोड़ी देर बाहर आकर सूडान में मौजूद पाकिस्तानियों की खबर लेंगे। अल्लाह पाक सूडान में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों की हिफाजत फरमाएँ जो रोज़गार या किसी और वजह से सूडान में मैसूर हैं और सूडान में मौजूद दोनों जनरल्स के दिलों में लापाक रहम करें ताकि मजीद मासूम जानों का नुकसान ना हो सके। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।